जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके हो एसएससी जीडी 2024 के लिए। दोस्तों बहुत ही एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए दोस्तों, जरूरी सूचना है दोस्तों सभी के लिए। और जो भी कैंडिडेट एकदम आप लोगों को सावधान होना है, और आप लोगों को इस बात पर आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, फिजिकल डेट जारी हो गया है। एकदम आप लोगों को डिटेल्स के साथ आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट पर। और जिसको ऐसा लगता है ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तब आप 30 सेकेंड के बाद आगे मत जाइए, क्योंकि आपको इतना जाने के बाद आप लोगों को बिना मतलब देखे क्या फ़ायदा है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और कमेंट देने से अच्छा है आप मत देखो, क्योंकि कमेंट देने से और आप लोगों को और मतलब क्या है मेहनत करना पड़ेगा, टाइपिंग करना पड़ेगा, उससे अच्छा आप मत देखो। और जो जानकारी चाहिए, जिसको जानकारी चाहिए, वही वीडियो को देखिए। चलिए तो बिना देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरा चैनल में नया जो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जो बताऊँगा पूरा क्लियर के साथ बताऊँगा दोस्तों। ये जो नोटिस देखिए, नोटिस फॉर पीएससी एनपीटी, क्योंकि जारी हो गया था, आप लोगों का रिजल्ट आ गया था। और रिक्रूटमेंट टू फिल अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन, इसमें दिया है आपको 2024। देखिए रेफर एडवर्टाइज नंबर नोटिस डेटेड भी दे रखा है 24/11/2023 पीआईडी विथ नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट द कांस्टेबल जीडी एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CIPF SSF Rifleman GD and Assam Rifle have been published। दो नंबर दिया है नेक्स्ट स्टेज जो है आपका सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपका PST MPET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रह गया, DME रिजर्व मेडिकल एग्जामिनेशन आर्मी CBT क्वालिफाइड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, जो कैंडिडेट का नाम आया है उनके लिए शॉर्टलिस्ट शेड्यूल टू बी कंडक्टेड 18 अगस्त से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है फिजिकल, कब तक 28 सितंबर तक। और ये दिया है उसके बाद आ जाता है तीन नंबर में, बोला है ई एडमिट कार्ड क्वालिफाइड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी मेट अवेलेबल लाइव इन द CRPF वेबसाइट, बोल रहा है CRPF वेबसाइट पर आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब आपको दे रखा है इसमें, आफ्टर 8 अगस्त के बाद ही आपको मिलेगा, 8 अगस्त में मिलेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट CRPF वेबसाइट रेगुलरली नो लेटेस्ट अपडेट, मतलब आप लोगों को बोला एडवाइज, आप लोगों कैंडिडेट को बोला विजिट करते रहने के लिए बोला CRPF वेबसाइट पर। बात आ जाता है जो दोस्तों आप लोगों को मैं बोला फिजिकल जो डेट जारी हुआ है, बात रियल या मतलब फेक है। देखिए पहला जो बात है इसमें ये लोग गलत, ये जो है दूसरा कॉपी करके कोई एडिट किया है, और जो एडिट किया है 18 अगस्त बना दिया है इसमें, क्योंकि जो आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त, नहीं तो आपको 20-21 अगस्त के उसी टाइम में आप लोगों का स्टार्ट होगा। 21 तारीख तो मैं पहले भी बोला था आपको, नोटिस आया नहीं, तो अभी 20-21 अगस्त से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। इसलिए क्या है कोई एडिट करके ऐसे बना दिया है, और इसमें CRPF वेबसाइट दिया, क्योंकि अभी देखिए ITAP इसका सब कुछ करा रहा है, नोडल फोर्स ITAP है, अभी तक कोई इसका सेंजिंग का कोई न्यूज़ नहीं है, नोटिस नहीं आया। और इसमें दिया है CRPF वेबसाइट, जब ITAP आपका नोडल फोर्स है तब CRPF में तो दिखाने का बा आने का कोई मतलब ही नहीं रहा इसमें, इसमें भी फेक है। और ये भी एडिट करके डाला है। और दोस्तों आप लोगों को नोटिस आएगा तो आपको SSC का वेबसाइट पर आएगा, और आप रेडी रहना है, ऐसा बात नहीं, आपको रेडी रहना है। अगस्त 20 तारीख के बाद आप लोगों का फिजिकल डेट तो पक्का आना है, फिर 20 तारीख के बाद आप लोगों का स्टार्ट होगा। और इसलिए कोई ऐसे एडिट करके बना दिया दोस्तों, बाकी टेंशन लेने का नहीं है आपका, ये फेक है। और आपका नोटिस जरूर आएगा SSC का वेबसाइट पर, और मैं जैसे बोला था आपको 20 तारीख के बाद आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट होगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। इनके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, होगा, जरूर होगा, 20 तारीख के बाद ही आप लोगों का स्टार्ट होगा। ये नोटिस फेक है दोस्तों। जय हिंद।